नाहन के साथ लगते ग्राम पंचायत देवनी में रसोई गैस सिलेंडर सप्लाई करने गए कर्मचारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। मामला रसोई गैस सिलेंडर के गैस कम होने पर भड़के ग्रामीणों का है। आए दिनों पंचायत में सप्लाई किए जा रहे गैस सिलेंडरों की वजह कम पाए जाने वाले ग्रामीणों में रोष पनपा है। गुस्साए ग्रामीणों ने बुधवार को गैस सिलेंडर सप्लाई करने आई विभाग की गाड़ी का घेराव किया और जब प्रत्येक सिलेंडर का वजन किया तो सिलेंडर में 2 से 2.5 किलो गैस कम पाई गई, जिसके बाद यहां ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और हंगामा शांत करवाने के लिए विभाग के DFSE व काला अंब थाना प्रभारी ने पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। आज हमारे गोमा गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में जो सिलेंडर पाए हैं वो उनका वजन कम था, जो उनके कंडे में पूरा था और हम विभाग से बात करते हैं कि हमारे इसकी जो है कार्रवाई की है। ये जो मैंने हमने अपने कंडे में वजन कराया तो उसमें कम निकले 2-2.5 किलो गैस और हम विभाग से बात करते हैं कि ये उनकी जेल कार्रवाई की है। देवनी से हूँ, मेरा नाम रूपा देवी है और मेरे पास सिलेंडर 3 महीने से कम आ रहा और मैंने पिछले महीने इनको बोला था भैया इसमें गैस कम है, तो इन्होंने मेरे को बोला अभी तेरे को क्या पता, और इस बार फिर हमने गैस भराई, इस बार फिर कम है। हम ये चाहते हैं कि हमारे को सप्लाई ठीक मिलती है और हमारे साथ हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए। मैं मनीष कुमार ग्राम पंचायत देवनी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में सिलेंडर की गाड़ी आई और हमने जो सिलेंडर लिया उनका वेट कम पाया गया, एक अंडे में जो वजन पूरा दिखाया गया पर जब हमने वेट किया तो उसमें कम निकला गया, फिर जो आय विभाग इनकी जांच की जाएगी। मेरे आज गांव में सिलेंडर की गड्डी आई थी और उसमें सिलेंडर का वजन तो लगाया और उनके कंडे में जो वजन पूरा होता है और हमारे कंडे में कम पाया गया है। इसलिए हम प्रशासन से विभाग से डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने एक बार वार्निंग दी थी इनको, हमने छोड़ दी थी, आगे से इन्होंने हमारी बात माननी नहीं। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को पूरा किया जाए। हमारे गांव में गाड़ी आई थी आज देवनी पंचायत में, हमारा वो जो हम कंडे पर रखा तो वजन कम रहा, जिसमें उनके कंडे पर पूरा रहा हमारे कंडे में कम रहा, तो यो देखा जाए जी हमारे लिए जो है भी है गरीब आदमी जो है तो मुश्किल देते, पैसे कमाते हैं तो लड़का इनको दे देते हैं यहाँ, तो हर महीना कम गैस डाली जा रही है, इसमें 15 दिन में गैस कैसे ख़त्म हो जाएगी। सिलेंडर पहली महंगा बहुत आ जाएगी सिलेंडर तो। जानकारी देते हुए पंचायत देवनी की प्रधान चिंता देवी व उप प्रधान शबनम बेगम ने बताया कि गांव में जो गाड़ी नाहन से घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई करने आती है उसमें गैस सिलेंडरों में गैस कम पाई जाती है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जिसकी शिकायत भी की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं देवनी पंचायत से प्रधान हूँ और मेरे को लोगों ने यहाँ पे बुलाया गया, मौके पर बुलाया है और इन्होंने शिकायत की है सिविल सप्लाई के खिलाफ कि यहाँ पे जो सप्लाई होती है सिलेंडर में गैस कम पाई जाती है, सिलेंडर का वेट कम होता है उसमें, और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि 3-4 महीनों से ये लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं और लोगों ने इनको पहले भी सचेत किया होगा इस बारे में, तो इन्होंने कोई और अपना उस पर कोई सुधार नहीं किया अपने उसमें। और फिर मौके पर मैंने आके देखा, मैंने भी वेट करवाया है सिलेंडरों का, तो उन पर किसी में 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो वेट कम पाया गया सिलेंडर में। मैं सिविल सप्लाई विभाग से चाहती हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। मैं ग्राम पंचायत देवनी उप प्रधान शबनम बेगम आज खाद्य विभाग से निरोध करती हूँ कि जब भी गैस सिलेंडर की गाड़ी आए तो उसके साथ सरकारी डिपार्टमेंट का एक बंदा भी आए, और जिससे कि जो गरीब लोग हैं जो गैस सप्लाई की जा रही है, और इनको मैंने 3-4 बार वार्निंग दे दी है, ठेकेदार सागर उसको भी मैंने वार्निंग दी थी पर उन्होंने भी मेरी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद जैसे ही गाँव वासियों ने हमारे को खबर दी तो हमने उसकी छानबीन करनी शुरू कर दी और तुरंत हम लोगों ने उस गाड़ी को आज पकड़ा है। उसमें कार्रवाई ये कर रहे हैं कि जो गैस निकाली जा रही है 2-2.5 किलो गैस कम हो रही है और गरीब जनता परेशान, और इसीलिए हम लोगों ने पब्लिक ने और पंचायत ने डिसीजन लिया है कि जो आज हमारे साथ है कल वो दूसरी पंचायत के साथ भी हो सकता है, और सागर का ये आज गाड़ी
हमारे देवनी पंचायत में सप्लाई करने के लिए आई तो गांव वासियों ने उसमें चेक किया तो उनके कंडे में तो पूरा आता था। जब अपने कंडे में उन्होंने एक बार चेक किया तो उसमें 2-2.5 किलो की गैस कम पाई गई हर एक सिलेंडर में और वो गाड़ी अभी तक यहाँ पे बॉन्ड है। वही ग्रामीणों ने हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे। डीएफएससी सिरमौर विजय ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों में वजन कम होने को लेकर शिकायत मिली है। मौके पर पहुंचकर गाड़ी में लोड सिलेंडरों का वजन करवाया गया जो कि निर्धारित वजन में पाए गए हैं। जिन लोगों को कम वजन के सिलेंडर दिए गए थे उनके सिलेंडर वापस ले लिए गए हैं। इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे शिकायत आई थी प्रधान ग्राम पंचायत देवनी की कि भाई यहाँ जो एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें सिलेंडर जो है वो पूरे वजन का नहीं है, 14 किलो 200 ग्राम उसमें गैस नहीं है, उससे कम है। तो उसके पश्चात मैं यहाँ मौके पे आया और कई सिलेंडरों का हमने वजन किया जिस वजह से बहुत से सिलेंडर जो थे वो कम वजन के पाए गए और 2-3 लोगों को जो दे रखे थे सिलेंडर उनको भी हमने अपने वापस वो ले लिया अपने कब्जे में और उनको गैस एजेंसी वालों को क्योंकि ये एचपी स्टेट सप्लाई कॉरपोरेशन चला रही है और इन्होंने आगे ये एजेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को आगे ऑथराइज़ किया हुआ है, उसको टेंडर दिया हुआ है। तो टेंडर की टर्म एंड कंडीशन के अनुसार जो ठेकेदार है जिसमें वो हेराफेरी कर रहा है, जो इसमें संलिप्त है, उसके अगेंस्ट मैं लिखूंगा एरिया मैनेजर को जो भी मौके पे मौजूद भी हैं और उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी जो भी टेंडर है एग्रीमेंट है उसके साथ और उचित अगर उसमें पाया जाता है तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी डिसमिस होगा और पूरे प्रोसीजर के साथ इसके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।